और कोई हमारे दोस्त जो इस मुद्दे पे बात करना चाहते जी, लास्ट ये कुछ कहना चाहते भाई साहब? कपिल सर हेलो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू ब्रदर। क्या नाम है आपका? रुपेश यादव। रुपेश क्या कहना चाहते हैं आप, कहाँ से आए आप? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर मैं इसी दौर में रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस दौर में जितनी हम मौज मस्ती कर रहे हैं आगे जाके कुछ भी नहीं हो पाता। क्या कर रहे हो इस दौर में, मेरे को थोड़ा हमें बताओ। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ आगे जाके हमें जॉब करनी पड़ती है, घर वाले शादी कर देते हैं, नौकरी करनी पड़ती है। तो आपका शादी करने का मन नहीं है? मेरा कहना ये है कि मैं इसी दौर में रहना चाहता हूँ, जितना अभी इंजॉय कर रहा हूँ उतना कमिट नहीं कर रहा बंदा। अरे कपिल सर आप सुनो, हाँ। मैंने अपने आंखों से लाइव देखा, आप मानोगे नहीं, घर के पड़ोस में एक आंटी अपने हस्बैंड को झाड़ू से मार रही थी, बताओ। उनकी गलती सुनो, उनकी गलती ये थी कि वो बस रात को लेट आए थे और अगले दिन उन्हें बहुत पड़ रही थी, और एक दिन सब्जी लेने गए और एक भिंडी लाना भूल गए, दोबारा भेजा उनको वहाँ पे भिंडी लेने के। ये चीजें देख के आप डर गए हो? मैं डर गया, मैं तो शादी पे से विश्वास ही उठ गया। शादी के बाद अच्छा खासा शेर चूहा बन जाता है, बताओ। उम्र क्या है आपकी? सर मेरी 15 ईयर्स है सर, और मेरी एक